Hello CLAT and Sprint, welcome to Maneuver Educations. In this video we are going to discuss the current affair and general knowledge passage, and this video is for the CLAT aspirant as well as the other competitive examination student who are preparing for the 2024-2025 examinations. सो दिस इज पार्ट सेवनटीन ऑफ दिस वीडियो ये पार्ट सेवेंटीन है फ्राम ट्वेंटी सेकेंड जुलाई टू ट्वेंटी एट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर आपको टॉपिक्स है वी हैव इंक्लूडेड इन दैट और रिलेटेड टू वेरियस सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोग्राफी हिस्टोरिकल इकोनॉमिक्स सो so, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो जो है आपको सिर्फ क्लैट स्प्रेंट के लिए ही सिर्फ नहीं है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप दोज हु होज द सिलेबस करंट अफेयर एंड जी के दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन बिफोर दैट दिस इज अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू कैन ज्वाइन अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू गेट द डेली अपडेट्स लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम व्हाट्सएप तो यहाँ पर आप जुड़ जाइएगा और इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो यहां पर जो है आपको शेयर कर दिया जाएगा वी विल शेयर द पीडीएफ एट टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप यहां पर डेली इंपॉर्टेंट पीडीएफ डी एज वेल एज द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यू विल गेट रिगार्डिंग योर यूर एग्जामशन ये YouTube चैनल मानुवर लॉ इंट्रेंस एग्जामिनेशन इसको आप सब्सक्राइब कर लें और मैनूअर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे फॉर अदर्स दोज हुर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशन और मैनुअर लॉ इंट्रेंस के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर करंट अफेयर्स जी के रीजनिंग जो भी आपका इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का जो है आपको वीडियोस जो है रेगुलर अपडेट होते रहते हैं और इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपका जो इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इफार्मेशन है तो यहाँ पर डेली अपडेट होता रहता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक like और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में सो so, दिस इज द सेल्फ स्टडी प्रोग्राम इफ़ यू गाइज हैव नॉट स्टार्टेड इट दैन इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्टार्ट नाउ एंड फॉर ऑनलाइन दोज हुई डिसाइडिंग इन मुंबई कैन विजिट अवर सेंटर ऑफलाइन सेंटर वसई थाने दादर बोरीबली अंधेरी और जो पैन इंडिया लेवल पर ऑनलाइन कोर्स अवेल करना चाहते हैं सो दोज हु कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड द काउंसलर विल गाइड यू तो ये बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो टाइम आप बहुत कम है तो आप जो है अब स्टार्ट करना चालू कर दें क्योंकि ये टाइम जो है धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा और आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं सो स्टार्ट दिस सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आप विजिट कर सकते हो यहाँ पे डेमो क्लास आप अटेंड कर सकते हो यू विल गेट द वीडियो लाइव वीडियो लेक्चर मॉक टेस्ट बुक सेक्शनल कोर्स ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन कॉल ऑन दिस नंबर एंड द काउंसलर विल गाइड यू इच एंड एवरीथिंग अबाउट द आर भी कोई क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वी विल रिप्लाई यू इन द कॉमेंट सेक्शन नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज द जो फोर्थ वीक है ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड से लेकर जो है ट्वेंटी 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 एट्थ जुलाई तक जो है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सो नाउ दैट इज़ द फर्स्ट इज़ कारगिल विजय दिवस दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कारगिल विजय दिवस क्या है ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं ऑब्जर्व करते हैं हम लोग सो सेलिब्रेट करते हैं विजय दिवस ट्वेंटी सिक्स ऑफ जुलाई को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है तो इससे रिगार्डिंग हम देखेंगे क्या हुआ था आखिर कारगिल के टाइम एंड आफ्टर दैट वाई वी सेलिब्रेट दिस कारगिल विजय दिवस जो है क्यों सेलिब्रेट करते हैं तो पाकिस्तान से हमारा वॉर हुआ था 1999 में जिसके लिए जो है हम लोग ये

कारगिल विजय दिवस और कारगिल विक्ट्री डे इज़ ए सिग्निफिकेंट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जुलाई ट्वेंटी इन इंडिया तो ये क्या है कि बेसिकली कि कारगिल विजय दिवस जो है वही इनफिल्ट्रेटेड इन्फिल्ट्रेट infiltrate कर दिया था पाकिस्तान ने पहले हमारी आर्मी को लगा दे वे आर द टेरिस्ट दैट ए इन इंडिया दैट और आई डिन इंडिया वो इंडिया में घुस गए हैं इलीगली जो है लेकिन बाद में जैसे जैसे बाद में पता लगा कि दे वर नॉट ओनली द टेरिस्ट बट दे वे द आर्मीज ऑफ द पाकिस्तान तो पाकिस्तानी आर्मी के जो है लोग वो चले आए हैं कारगिल में कार और जिसकी वजह से जो है वो इंडिया में अंदर आते चले जा रहे हैं और ये इंडिया का जो है एरिया पे जो है कंकर कर रहे कब्जा करते चल रहा चले आ रहे हैं उसके बाद जो है हमें थोड़ा लेट भी हो गया था इस पर रिस्पॉन्स देने में क्योंकि हम कन्फ्यूज़ हो गए थे कि वेदर दे आर द टेरिस्ट और द पाकिस्तानी आर्मी इट्स सो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है फिर भी लेकिन क्या है कि हमें कन्फ्यूज़ था कि आखिर है कौन है ये तो उस तरह से हम तैयारी करते हैं अगर दो तीन टेरोरिस्ट होते तो फिर तो उसको निपटा दिया जाता उसी टाइम लेकिन ये टूरिस्ट सिर्फ नहीं थे ये पाकिस्तानी आर्मी थे एंड विद द इक्विप्ड विद द आर्म्स एंड एम्यशन सो द द द डे इन विद पाकिस्तान एंड ऑनर्स द ब्रेवरी एंड ऑफ द इंडियन सोल्जर ड्यूरिंग द वॉर तो इसीलिए इस दिन को हम लोग याद करते हैं सेलिब्रेट करते हैं इस दिन जो है पाकिस्तान से जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ था इस दिन हम लोगों ने इसको जीता था और जिन लोगों ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया था उनको रिमेंबर करते हैं उनके सेक्रीफाइस को उनकी ब्रेवरी को उनकी बहादुरी को हम लोग देखते हैं कि आखिर उन्होंने क्या हुआ था उस दिन द कारगिल वॉर ऑफ नाइनटीन नाइनटी द फर्स्ट मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन इन न्यूक्राइज साउथ एशिया एंड आर्गुएबली द फर्स्ट रियल वॉर बिटवीन टू न्यूक्र स्टेट्स और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था उस वक्त क्योंकि दिस बोथ द नेशंस दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान जो है उनके पास क्या है न्यूक्लियर वेपन है और ये पूरे वर्ल्ड को लग रहा था कि अगर ये दोनों कंट्री आपस में वॉर पे आ जाती है और न्यूक्लियर वॉर अगर हो जाएगा तो फिर इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा देन होल ऑफ़ द वर्ल्ड हेज टू इन्वॉल्व तो ये कंट्री लोग दोनों ये थे कि किसी तरह इस वॉर को ख़त्म किया जाए शांत किया जाए पीस uh, इस्टेब्लिश किया जाए सो दैट वॉज द मेजर कंसर्न एट दैट टाइम बिकॉज बोथ द नेशंस आर न्यूक्लियर इम

इंडियन ट्रूप्स इनिशियली मिस द इनफिल्ट्रेटर्स टेरिस्ट और जिहाीज बट इट सून बिकम क्लियर दैट दटक वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज मिलिट्री ऑपरेशन तो पहले हमने कन्फ्यूज़ हो गए कि टेरिस्ट है जैसे टेरिस्ट के साथ हम लोग सलूक करते हैं तो ये एक सीख भी था इंडियन के लिए जो है बेसिकली एक जो है से लेस था कि हमें जो है इसमें बहुत क्रिटिसिजम भी हुआ था कि कैसे इंडिया का जो है जो आपका जो है से इंटेलिजेंस ऐसा फेल्योर हो सकता है कि इतने बड़े इसमें जो है नंबर्स में एक इन्फिल्ट्रेटर्स पाकिस्तानी आर्मी इंडिया में आ सकती है विथ आर्म्स एनिमिनेशन तो ये जो है एक मेजर कंसर्न भी था उसके बाद हमने बहुत अच्छे से बॉर्डर को सिक्योर किया तो ये सारे कारगिल दिवस के बारे में विजय दिवस के बारे में हमने डिस्कस किया नाउ वी विल डिस्कस द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कारगिल विजय दिवस से रिलेट करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है देख जैसे एग्जामिनेशन में आपके आता है सो वट वॉज द नेम ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ज्वाइनिंग द इंडियन आर्मी इन द कारगिल वॉर टू वैकेट पाकिस्तान सी तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे दैट इज इंडियन एयरफोर्स जब ज्वाइन किया तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय था बट द इंडियन एयरफोर्स जब ज्वाइन करके इंडियन आर्मी के साथ उसको वैकेट किया एल ओ सी रीजन को देन वट वाज द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन एंड द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन वॉज ऑपरेशन सफेद सागर

जनरल परवेज मुशर्रफ जनरल वेद प्रकाश मलिक करेक्ट आंसर इज जनरल वेद प्रकाश मलिक तो ये जो थे उस वक्त आर्मी ऑफिसर थे और ये परवेज मुशर्रफ वहाँ से उधर से आर्मी ऑफिसर थे और यहाँ पर पूछा जाए कि आर्मी चीफ नाउ करंट में अगर पूछा जाए कि आर्मी चीफ कौन है इज द करंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया दैट इज उपेंद्र द्विवेदी उपेंद्र द्विवेदी इज द करंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया ये चीज भी याद रखेंगे यहां पर एक है जनरल बिपिन रावत का नाम आप देख सकते हो जनरल बिपिन रावत ही द फर्स्ट ऑफ इंडिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था ये जो है कोलाइड कर गया था हेलीकॉप्टर किससे द हिल्स ऑफ नीलगिरी जो है उससे टकरा गया था वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जो जंक्शन पे नीलगिरी माउंटेन्स उन्हीं से टकरा गया था एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ जनरल बिपिन रावत एलोंग विथ सिक्स अदर कंपेनियन एंड हिज वाइफ

वॉर टाइम अवार्ड वॉर टाइम अवार्ड दो तरह का अवार्ड होता है वार टाइम और पीस टाइम तो परमवीर चक्र वीर चक्र महावीर चक्र दिस इज द वॉर टाइम अवार्ड तो ये हाईएस्ट मिलिट्री डेस्टिनेशन डेकोरेशन है और ये किसको दिया गया था कैप्टन विक्रम बत्रा विंग कमांडर अभिनंदन वर्थरामन जनरल परवेज मुशर्रफ एडमिरल अरुण प्रकाश एंड द करेक्ट आंसर इज कैप्टन विक्रम बत्रा इनको जो है ये अवार्ड दिया गया था ये जो है ऑनर इनको दिया गया था कैप्टन विक्रम बत्रा को इनको मूवी भी आई थी एक

दैट वाज़, द नेम ऑफ द ऑपरेशन वाज़, द ऑपरेशन बद्र। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनियन बजट 2024-2025। सो यूनियन बजट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बाय अवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन ट्वेंटी ऑफ जुलाई ट्वेंटी और इस यूनियन बजट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो है यूनियन बजट में प्रोविजन दिया गया है और किस चीजों पर ज्यादा जो है इंफेसिस है इस यूनियन बजट में वॉट इज द प्रायोरिटीज ऑफ दिस यूनियन बजट कास्ट ऑफ दिस यूनियन बजट तो ये सारी चीज़ें अभी जो है हम इस पर डिस्कस करने जाएंगे बजट से आपको इकोनॉमिक्स सेक्शन में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं हर साल जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा अदर एग्जामिनेशन में भी बजट से बहुत क्वेश्चन रहता है इकोनॉमिक्स का अगर पार्ट लें तो सो so, बजट पर जो है कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं स्टेटिक भी रहता है एज वेल एज द बजट जो करंट बजट होता है उससे भी रिलेटेड करके आपको क्वेश्चन आते हैं So, ये है 2024, लोकसवा, लोकसवा है रिसेंटली यूनियन बजट 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 2024-2025 वाज 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 प्रेजेंटेड इन द द द द पार्लियामेंट इट फर्स्ट जनरल ऑफ़ लोकसभा लोकसभा क्योंकि हुआ एंड उसको जो है एंट्रीम बजट कहते हैं जो प्रपोज किया गया था आपको बिफोर द लोकसभा इलेक्शन मोदी लेट गवर्नमेंट इज इन द पावर As outlined in एट interim government गवर्नमेंट बजट focus ऑफ द बजट remains ऑन फोर मेजर groups, दैट इज फोर मेजर कास्ट जो है उसपे फोकस था एंड द फोर मेजर कास्ट आर गरीब इज पुअर महिलाएं दैट इज वीमेन युवा दैट इज यूथ एंड अन्दाता दैट इज फार्मर्स सो ये जो है फोर कास्ट है फोर कास्ट ऐसे इंडिया में क्या क्या है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र लेकिन यहाँ बजट पे किस पे फोकस किया गया दैट इज पुअर women, यूथ एंड फार्मर्स द यूनियन बजट 2024-2025 फोर ट्वेंटी एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग सपोर्ट फॉर एमएसएमई एंड द मिडिल क्लास तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर इस बजट पे बहुत कंसर्न है और ये हमेशा से बातें आ रही है कि इंडिया में जो है इम्प्लायमेंट जनरेट नहीं हो रहा है गवर्नमेंट इसको डिनाई करती रही है लेकिन इस बार जो है इन्होंने एक्नोलेज किया है कि इंप्लायमेंट की ज़रूरत है इंडिया में और इंप्लायमेंट पर काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने इम्फेसिस किया है इस बजट में सिग्निफिकेंट एलोकेशन ऑफ आर एस वन पॉइंट फोर एट लैख करोड़ इज देशन इंप्लायमेंट एंड स्किलिंग तो देखिए कितना ज्यादा जो है अमाउंट जो है इन्होंने इन सब चीजों पर जो है इन्वेस्ट किया दैट इज वन पॉइंट फोर एट लैख करोड़ किस पे किया है एजुकेशन पे इम्प्लायमेंट पे और स्किलिंग पे द बजट प्रायोरिटाइजेज नाइन एरियाज इंक्लूडिंग तो प्रायोरिटी क्या है देर आर नाइन प्रायोरिटी इन द बजट कौन कौन है दैट इज एग्रीकल्चर इंप्लायमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना ये बहुत जरूरी है तभी जाके इंप्लायमेंट जनरेट होगा सर्विसेज अर्बन डेवलपमेंट एनर्जी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस करना नई नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करना इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जो है दैट दीज आर द नाइन प्रायोरिटीज मैंशन इन द बजट ट्वेंटी ट्वेंटी में जो है ये मैंशन किया गया है

मीन्स की 16 हमें क्या करना होगा दैट वी हैव टू बोरो हमें बोरो करना होगा लोन लेना होगा डेट लेना होगा कहीं ना कहीं से हमें अरेंज करना होगा तो ये 16 लाख क्योंकि टोटल बजट जो है वो 48 लाख करोड़ का है और हमारे पास अवेलेबल कितना है ओनली 32 लाख करोड़ बजट स्पीच हाईलाइटेड इंडिया लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन मूविंग टू वार्ड दर्सेंट टारगेट विद स्पेसिफिक मेजर टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स तो इन्होंने कहा कि मतलब कि ये जो इंडिया का इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है और इंडिया का इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है जो कि हमारा टारगेट है कितना है दैट इज़ फोर परसेंट इज द टारगेट टू अचीव दिस इन्फ्लेशन टारगेट और इसी के अराउंड जो है हमारा इन्फ्लेशन अभी रह रहा है धीरे धीरे कम हो रहा है सो so ये बात बजट में जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है नाउ वी विल सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द बजट करंट एज वेल एज स्टैटिक

अगर ये 2020 जो इसके लोकसभा का जो टेन्यूर है इस तक फाइनेंस मिनिस्टर रहती है रिकॉर्ड ऑफ मोरारजी देसाई तो इस तरह से जो है हमारा बजट जो है ये इन्होंने प्रेजेंट किया एंड इट वॉज हर सेवेंथ बजट नाउ क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला बजट किसने प्रेजेंट किया था Uh, आज़ादी के बाद जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस जॉन मथाई जवाहरलाल नेहरू आर के शाहमुखम चट्टी इंदिरा गांधी द करेक्ट आंसर इज आर के शाहमुखम चट्टी इन्होंने सबसे पहला बजट जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का ये किया था रिलीज किया था प्रपोज किया था प्रेजेंट किया था एंड जॉन मथाई ही इज द फर्स्ट पर्सन हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया दैट इज आफ्टर द 26 जनवरी 1950 जो है जॉन मथाई ने सबसे पहले बजट जो है प्रेजेंट किया था नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बजट फॉर एग्रीकल्चर इन ट्वेंटी प्राइमरी सेक्टर दैट कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्लायमेंट इन इंडिया बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इन द जी डीपी इज वेरी लेस तो ये जो है इस पर एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अच्छे से जनरेट करने के लिए ये जो है आपको बजट में ज्यादा इन्वेस्ट किया गया और किस कितना किया गया एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में 1.5 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ एंड द करेक्ट आंसर इज 1.52 लाख करोड़ जो है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है आपको इन्वेस्ट किया जाएगा तो ये बजट में कहा गया है नाउ अदर क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैस Of the Indian Constitution, the Union Budget of a year, also referred to as the annual Financial statement, is a statement of the estimated receipts and expenditure of the government for that particular year. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस आर्टिकल में basically ये मेंशन है बजट के बारे में। तो सबसे पहली बात कि Indian Constitution में जो है मेंशन है, वो मेंशन है that is annual financial statement. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट द बजट वर्ड इज नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन बजट इज द फ्रेंच वर्ड इजन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड दैट इज बुगे विच मींस लेदर जो है दैट इज लेदर बैग तो और ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर मैंशन है हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में और किस आर्टिकल में है आर्टिकल वन हंड्रेड एट वन हंड्रेड वन वन हंड्रेड वन हंड्रेड ट्व एंड करेक्ट आंसर इज वन हंड्रेड ट्व तो ये जो है इसमें है इसमें मेंशन आर्टिकल 112 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बातें की गई हैं जिसको बजट हम लोग कहते आम लैंग्वेज में। थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो चुका है uh, 26th of July को जो है ओलंपिक स्टार्ट हो गया दिस टाइम इट इज इन पेरिस 2024 में जो है पेरिस में हो रहा है और पेरिस में ये आफ्टर द हंड्रेड इयर्स 1924 में पहले हुआ था नाउ इट इज आफ्टर हंड्रेड ईयर इट इज इज इन पैरिस सो इसके बारे में हम देखेंगे कि पैरिस ओलंपिक 2024 में क्या है इंपॉर्टेंट uh, पॉइंट क्या हो सकता है और इससे जो रिलेटेड स्टैटिक भी कुछ चीजें हैं उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर सो द पैसेज इज द 2024 Summer Olympics, समर known as Paris 2024, is set to take place from टेक 26 to August 11, 2024, in France. तो ये जो है आपको फ्रॉम जुलाई जुलाई टू अगस्त जो है ये 2024 पेरिस ओलंपिक जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है कहाँ दैट इज़ इन पेरिस फ्रांस में तो बेसिकली इस सेशन का क्या मोटिव है मोटिव ये है कि देर इज़ अ वास्ट सिलेबस आपका सिलेबस काफ़ी वास्ट है और आपको पढ़ना क्या है ये आपको मतलब कि उतना पढ़ने जाएंगे तो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर जो है आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें किस तरह से आप पढ़ेंगे कि आप फोकस्ड होंगे एग्ज़ाम पे एग्जामिनेशन में क्या आता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो इंक्लूड की गई है और इस तरह से जो है हमारे जो लेक्चर्स होते हैं जो भी क्लासरूम लेक्चर वहाँ भी आप ये आप डेमो आकर लें और वहाँ देखिए कि किस तरह से जो है क्लासेज होता है तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है Paris will serve as the main host city with 16 other cities across Europe France joining in the celebration of sports, Paris was awarded the Games at the 31st IOC Session in Lima, Peru on September 13, 2017, marking the city's third time hosting the Summer Olympics. These Games will be the first to feature an equal number of male and female athletes, athletes. इम्फेसाइजिंग द कमिटमेंट टू जेंडर इक्वालिटी इन स्पोर्ट्स तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पर जो है क्या है दट इज द इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेलिपेटिंग इन द ओल्पिक ट्वेंटी ट्वेंटी जेंडर इक्वालिटी इन स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स में किस तरह से जेंडर इक्वलिटी बनी रहे उसको जो है ये ये करने के लिए डिनोट करने के लिए ये चीज किया गया है द एशियंट ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन ओलंपिया ग्रीस फ्रॉम द एथ सेंचुरी बी सी टू द फोर्थ सेंचुरी ए डी तो ये जो ओलंपिक गेम्स कहां से स्टार्ट हुआ था ग्रीस एट सेंचुरी बीसी से और यहां पर जो है ओलंपिया से स्टार्ट हुआ था एक सिटी है ओलंपिया गॉड ओलंपस के नाम पर दे वी आर डेडिकेटेड टू द ओलंपियन गॉड्स एंड वे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंशियंट ग्रीक कल्चर वही ओलंपियन गॉड्स पे जो है ये डेडिकेटेड है द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आई ओ सी इज द सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर सींग दर्गेनाइजेशन ऑन स्टेजिंग ऑफ द ओलंपिक गेम्स तो इसको कंडक्ट कौन करती है इसको रेगुलेट कौन करती है ऑर्गेनाइज कौन करती है दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द ओलंपिक टॉर्च रिले अ अस्ट ट्रेडिशन ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स होल्ड्स डीप रूट्स इन एंशियंट ग्रीक माइथोलॉजी एंड सर्व एज एल ऑफ कंटिन्यूटी यूनिटी एंड द दिट ऑफ द दिन जो टॉर्च देखते हैं वो जो है ओलंपिक का सिम्बॉल है वो ओलंपिक को रिप्रेजेंट करता है तो ये था ओलंपिक के बारे में और इससे जुड़ी जो है हम स्टैटिक और करंट जो है पोर्शन इसको देखेंगे कि क्या है सबसे पहला तो आपको पता चल गया ओलंपिक 2024 ट्वेंटी फोर रहा है दैट इज इन पेरिस फ्रांस में जो है ये कंडक्ट किया जा रहा है सो द क्वेश्चन इज विच इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कैडेट द ओलंपिक टॉर्च इन द पैरिस ट्वेंटी रिले तो पैरिस 2024 रिले में जो है किस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने जो है ये टॉर्च जो है इंडिया की तरफ से जो है ये किया है कैरी किया है नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा विजेंद्र सिंह साइना एंड द करेक्ट आंसर इज अभिनव बिंद्रा सो so, so, अभिनव बिंद्रा इज अ शूटर ये शूटिंग स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जो है आपको इंडिया को जो है गोल्ड मेडल दिलवाया था ओलंपिक्स में एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल टू वन द गोल्ड मेडल

तो कौन सा स्पोर्ट जो है पहली बार जो है ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया है फर्स्ट टाइम ब्रेक डांसिंग क्रिकेट ड्राट्स पार्कर रेस द करेक्ट आंसर इज ब्रेक डांसिंग तो ये जो है स्पोर्ट्स इसमें ऐड किया गया है इसको भी यहां पर पेरिस में इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते थे नेक्स्ट इज वट डू द फाइव रिंग्स ऑन द ओलंपिक सिंबॉल रिप्रेजेंट तो आपने देखा होगा इस तरह से जो फाइव रिंग्स है ओलंपिक सिंबल में एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट ये क्या रिप्रेजेंट करता है क्या सिग्निफाइज करता है सो द फाइव ओशंस द फाइव कॉन्टीनेंट्स द फाइव कंट्रीज द फाइव रिवर्स एंड द करेक्ट आंसर इज द फाइव कंटिनेंट्स सो ओलंपिक रिंग सिग्निफाइज द फाइव कंटिनेंट्स दैट इज द हमारे टोटल कंटिनेंट है कितने दैट इज सेवन कंटीनेंट्स आर देयर बट अफ्रीका साउथ अमेरिका अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका कंसिडर्ड एज वन कॉन्टिनेंट एशिया Africa, Europe, and Australia. So these are the four continents, and these two that is considered as one. So six and the next is Antarctica. Antarctica is not a living continent, it is a research continent. So it is not included. So this Olympic rings symbol represent the five continents of the world. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियंस हु आर द फर्स्ट टू बीन एन इंडिविजुअल मेडल एट द ओलंपिक्स तो सबसे पहले जो है कौन से इंडियन ने इंडिया के लिए मेडल लाया था इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में सबसे पहले के डी यादव लियंडर पेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यानचंद कर्णम मलेश्वरी एंड द करेक्ट आंसर इज के डी यादव सो के डी यादव हैज बॉर्न द फर्स्ट मेडल ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था के ओलंपिक में फिनलैंड में और इनको जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला था रेसलिंग में ये पहले इंडियन थे जिन्होंने ये मेडल जीता था हेयर यू कैन सी द नेम ऑफ कर्नम मलेश्वरी कर्नम मलेश्वरी इज द फर्स्ट वीमेन टू विन द मेडल फॉर इंडिया इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था एंड शी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन टू थाउजेंड सिडनी ओलंपिक्स सिडनी में इन्होंने जीता था दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उसकी जो है अभी वाइस चांसलर है ये आपको कर्नम मलेश्वरी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है थॉमस बाग जैकस काउंट रॉग जॉन क्वेटिस आइगो फेरियानी करेक्ट आंसर इज थॉमस बाग सो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो है आपको ये कहाँ दैट इज हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा सो इट्स हेडक्वाटर इज इन लुजाने स्विट्जरलैंड में जो है आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा जो है हमारा सर्वे है that is economic survey 2023, के बारे में हम लोग देखेंगे इससे पहले हमने बजट के बारे में देखा बजट का डिस्कशन किया तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड जस्ट वन डे बिफोर द बजट तो बजट से एक दिन पहले इसको प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें क्या होता है दैट इज द एस्टिमेट ऑफ द नेक्स्ट ईयर और जो प्रीवियस ईयर में हमने क्या क्या डेवलपमेंट किया है वो सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूडेड होती है इकोनॉमिक सर्वे में और बजट से एक दिन पहले ये प्रेजेंट किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे तो इसके बारे में देख लेते हैं इस बार का इकोनॉमिक सर्वे जो है क्या है ये भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए सो वी विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारामन सो दर्वे फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वॉज रिस टेवल्ड बाय दूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस इन द पार्लियामेंट इट व्यू ऑफ इंडिया परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वही बात जो मैंने कहा कि ये पिछले को बताएगा कि पिछले साल हमने क्या किया प्रीवियस ईयर हमने क्या क्या डेवलपमेंट किया और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है हमारा आगे क्या करना है सो दैट इज अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन बजट टू डिटेट ऑफ द इकोनॉमी टू रिव्यू द डेवलपमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी ओवर द प्रीवियस 12 मंथ्स में क्या हुआ उसको रिव्यू करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रेजेंट किया जाता है इंडियाज़ रियल जी डी पी 8.2 एट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी तो इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया का जो जीडीपी है 8.2 परसेंट के रेट से बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 2024 में एट परसेंट मार्क्स इन थ्री आउट ऑफ फोर क्वार्टर ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी स्टार्ट होता है तो यह भी बात कहा गया कि इसमें जो रिटेल इन्फ्लेशन है महंगाई जो थी वो रिटेल महंगाई 6.7 परसेंट से घटकर कितने पे आ गई है 5.4 परसेंट पे डायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूटेड 55 परसेंट ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू विथ इनडायरेक्ट टैक्स मेकिंग ऑफ द रिमेनिंग 45 परसेंट तो ये रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ है उसमें डायरेक्ट टैक्स का ये जो है कंट्रीब्यूशन ज्यादा है दैट इज 55 परसेंट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 45 परसेंट है बचा हुआ रिमेनिंग है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फूड ग्रेन टू एट्टी पॉइंट फोर करोड़ पीपल तो ये बात कहा गया कि लगभग एट्टी फोर करोड़ पीपल को जो है फ्री फूड ग्रेन जो है आपको क्रॉप जो है प्रोवाइड किया गया सीरियल्स प्रोवाइड किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो है वो इंक्रीज किया गया है इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट ग्रू बाई फोर पॉइंट नाइन परसेंट टू यू एस डी थ्री 41.1 वन पॉइंट वन बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर विद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्राम आई टी और सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस सर्विसेज तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है सर्विस एक्सपोर्ट है वो ज्यादा बढ़ा है एक्सपोर्ट ग्रो किया कितना 4.9 परसेंट के तौर पे जो है वो पिछले साल से के मुकाबले ये ग्रो किया है तो ये भी इंपॉर्टेंट है सर्विस सेक्टर में जो है इन्हांसमेंट हो रहा है लगातार डेवलपमेंट हो ही रहा है तो ये जो है इकोनॉमिक सर्वे का एक जो है समरी था नाउ वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक सर्वे

सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन इकॉमी एज हाईलाइटेड इन द इकोमिक सर्वे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आता है तो so यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो है आपको जो इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है तो क्या सही है कौन सा पॉइंट जो है इसमें सही है कौन सा जो है रॉन्ग है राइट और रॉन्ग बताना है द इंडियन इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवन परसेंट दिस ईयर पहला स्टेटमेंट है

किसको एड्रेस करता है इनक्वालिटी को एड्रेस करता है अनएम्प्लॉयमेंट को भी इस बार एड्रेस किया गया है तो ये भी है फिजिकल डिफिसिट हमने देखा ही पैसेज में ही था कि 6.4 परसेंट से घटकर कितना आ गया है 5.6 परसेंट तो तीनों स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट है तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है इज वन टू एंड थ्री बोथ ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट नेक्स्ट इज हाउ मच डिट इंडिया रिसीव इन रिमिटांसेज इन ट्वेंटी तो 2023 में इंडिया को रेमिटांसेस कितना मिला रेमिटांसेस क्या होता है रेमिटांसेस होता है कि जो इंडिया से बाहर जॉब कर रहे हैं एन आर आई पर्सन जो भी हैं और वो पैसा बाहर कमाते हैं और इंडिया में जो पैसा भेजते हैं उसको कहते हैं रेमिटांसेस तो रेमिटांसेस इंडिया को इस बार जो है कितना जो है मिला है कितना जो है इंडिया ने गेंद किया है एट्टी बिलियन डॉलर हंड्रेड बिलियन डॉलर वन ट्वेंटी बिलियन डॉलर वन फोर्टी बिलियन डॉलर एंड द करेक्ट आंसर इज वन ट्वेंटी बिलियन डॉलर जो है इंडिया को रेमिटांसेस मिला है नेक्स्ट इज हु प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आसान क्वेश्चन होगा तो आपको बताना पड़ेगा ये इकोनॉमिक सर्वे जो है कौन प्रिपेयर करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया फाइनेंस फाइनेंस कमीशन मिनिस्टर द करेक्ट आंसर इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया तो जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वो आपको क्या प्रिपेयर करके देते हैं इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करके देते हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस में इसको रखा जाता है is, in in 2022, 2023? तो 2022, 2023 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया गया है कि इंडिया में है तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया बजट से भी पहले किया था लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको समझ इस ये इस सेशन का मकसद भी ये है मोटिव ये है कि आपको समझ आए कि किस तरह के पैसेज होते हैं कैसे पैसेज को फॉर्म किया जाता है और कैसे जो है इस पर क्वेश्चन जो है आपको फ्रेम करके पूछा जाएगा किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जाएगा तो क्या पढ़ना है किस तरह से पढ़ना है वो भी एक इंपॉर्टेंट है अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी तरह का क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो नेक्स्ट इज अमरावती बुद्धिस्ट साइट सो दिस इज द फिफ्थ टॉपिक दैट इज अमरावती जो है आपको आंध्र प्रदेश में उसको बुद्धिस्ट साइट है एक और उस पर जो है अब जाकर जो है काफी जो है से इंफेसिस पड़ रहा है क्योंकि ये अभी न्यूज में आया है तो अमरावती के बारे में थोड़ा हम जानेंगे बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि क्या है कैसे है सो वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक सो द इज

फाइनेंस uh, मिनिस्टर ने 15,000 करोड़ जो है अनाउंस किया है डेवलपमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश और कॉलिशन गवर्नमेंट में है तो दो स्टेट के लिए काफ़ी अच्छा से अनाउंसमेंट मिला है एक तो आंध्र प्रदेश एक बिहार को तो ये जो है ये पता था कि मिलना ही था दिस हैज ब्राउड बैक फोकस ऑन अमरावती अ साइट ऑफ इमेंस हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इन आंध्र प्रदेश दैट रिमेंस रिलेटिवली अनरिकोगनाइज तो ये जो है इससे जो है अमरावती पे क्या हुआ है एक फोकस आ गया है जो कि बुद्धिस्ट साइट हुआ करती थी है ही हुआ करती थी नहीं अभी भी वो है इन द लेट सेवेंटीन्स राज्य रेड्डी नायडू अनु डिस्कवर्ड एंशियंट लाइम स्टोन रिम्स इन आंध्र धनिया कटकम विलेज विच ही एंड द लोकल्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन लीडिंग टू द रीनेमिंग ऑफ द विलेज टू अमरावती तो उन्होंने ये खोजा और उस पर जो है अमरावती उन्होंने नाम रख दिया इन टू थाउजेंड फिफ्टीन द आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर अनाउंस द न्यू कैपिटल अमरावती Inspired by the historic buddhist site aiming to develop it into a modern city akin to singapore तो ये उन्होंने 2015 में जो है अनाउंस किया था नई सिटी के लिए आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने अमरावती कैपिटल के, के बारे में कहा था कि हम रखेंगे the first significant evidence of buddhism in andhra pradesh dates back to the 3rd century bce when emperor ashoka set up an inscription in the region providing a major impetus to its spread तो पहला जो हमें एविडेंस मिलता है बुद्धिज्म का आंध्र प्रदेश में वो 3rd century bce में मिलता है जब अशोका द ग्रेट जो है अपने जो भी उनके जो ये थे आ उन्होंने जो है धम्म महामत धम्म महामत्रा को जो है अपॉइंट किया था टू प्रोपागेट द बुद्धिज़्म रिलीजन और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे जगह पे जो है इनको भेजा था अपने जो मिनिस्टर वगैरह थे उनको बुद्धिज़म को जो है स्प्रेड करने के लिए और उसी में उन्होंने आंध्र प्रदेश में भी भेजा था बुद्धिज़म को अडॉप्ट कर लिया था इन्होंने अशोका ने आफ्टर द वॉर ऑफ़ कलिंगा तो कलिंगा वॉर के बाद उनका जो हार्ट चेंज हो गया एंड ही रिनाउंस द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ पीस अमरावती इज रिनोड फॉर बींग द वर्थ प्लेस ऑफ महायान बुद्धिज्म सो बुद्धिज्म डिवाइडेड इन टू टू पार्ट दैट इज महायान एंड हिन्यान डूरिंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल विच वर हेल्ड एट कुशा विच वर हेल्ड काश्मीर कुंडल वन काश्मीर डूरिंग द टेन्यूर ऑफ कुशान किंग कनिष्का उसके टाइम में हुआ था वन ऑफ द मेजर ब्रांचेज ऑफ बुद्धिज्म दैट इम्फेसाइज द पाथ ऑफ बोधि बुद्धिसवा तो महायान बुद्धिज्म वो है जो बुद्धिसत्वा को इम्फेसाइज करता है दैट इज जो बुद्धा के ओरिजिनल ओरिजिनल टीचिंग जो है उसको थोड़ा सा जो है वो अलग जो है ये करता है बुद्धा को जो है गॉड मानता है जबकि हीन यान बुद्धिज्म जो है वो बुद्धा को गॉड नहीं मानता बुद्धा को जो है नॉर्मल ह्यूमन बींग मानता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं मायान और बुद्धियाज मायान और हीनयान में डिफरेंस है तो मायान बुद्धिज्म का जो है बर्थ प्लेस माना जाता है आंध्र प्रदेश को अमरावती को फ्रॉम अमरावती महायान बुद्धिज्म स्प्रेड अक्रॉस साउथ एशिया चाइना जपान कोरिया एंड साउथ ईस्ट एशिया तो हर जगह जो है वहां से फैल गया डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और ये जो है मोस्टली जो फॉलो होता है वो महायान बुद्धिज्म फॉलो हो रहा है आज के इसमें नाउ रिलेटेड टू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक दैट इज द बुद्धिज्म और अमरावती तो देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा तो बुद्धा के लाइफ से कौन सा किंगडम एसोसिएट था अवंती गंदार कौशल मगध तो इनमें से कौन सा किंगडम में बुद्धा के लाइफ से एसोसिएट था जहां बुद्धा ने विजिट किया तो इसमें करेक्ट आंसर पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौशल और मगध थ्री एंड फोर तो बुद्धा को जो है मगध में मगध का जो किंगडम था दैट इज ही गॉट द इनलाइटमेंट एट महाबोधि जो बोध गया है बोध गया में इनको इनलाइटमेंट मिला एंड आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा अर्लियर ही इस नेम वॉज गौतम एंड द चाइल्ड हुड नेम व सिद्धार्थ बट आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ सिक्स ईयर्स ही अटेन द निर्वाणा एंड दैट इज नोन एज इनलाइटमेंट और उसमें जो है बुद्धा जो है मगध में वो मगध का पार्ट है नेक्स्ट जो है कौशल में ही जो है इनका कुशीनारा में कुशीनगर में जो है इनकी डेथ हो गई थी सो बुद्धा व महापरिनिर्वाण जो है बुद्धा का वो कौशल में हुआ था इसलिए जो है ये दोनों जगह जो है इनसे फैमिलियर है नेक्स्ट जो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमरावती स्तूप तो अमरावती स्तूप के बारे में जो है स्टेटमेंट है उसके बारे में देखते हैं स्तूप जो है रेलिक्स रेलिक्स ऑफ ऑफ बुद्धिज्म बुद्धिज्म को जो है वहां पे रेलिक्स होता है रिप्रेजेंट पे होता स्तूप में और वो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी डेथ को जो है रिप्रेजेंट करता है द अमरावती स्तूप आज बिगेन इन अबाउट टू हंड्रेड बी सी वट वॉज कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्टेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड सेंचुरी ए डी तो ये पहला स्टेटमेंट है अमरावतीजर फिफ्टी थ्री मीटर्स अक्रॉस 33 मीटर्स इन हाइट तो ये दूसरा स्टेटमेंट है बहुत ही जो है आपको डीपली uh, स्टेटमेंट है तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि 200 हंड्रेड बी सी में पहले ही जो है इसका स्टार्टिंग हुआ था और इसको स्टार्ट किया था सातवाहना ने सातवाहनाज किंगडम ने और इसके बाद जो है फिफ्टी थ्री मीटर जो है इसका ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों स्टेटमेंट जो है इसका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमरावती स्तूप वाज फर्स्ट फाउंडेड बाय तो सबसे पहले अमरावती स्तूप जो है किसने फाउंड किया था किसको मिला था ये स्तूप कर्नल लॉर्ड कर्जन नन ऑफ द एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नल मकेजी को जो है ये आपको मिला था 1797 में जो है ये स्तूप मिला था नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द फिलोसफी ऑफ अस्थांगिका मार्ग द एट फोल्ड पाथ तो एट फोल्ड पाथ जो है स्टंगी का मार्ग किसने बताया था टू अटेन द निर्वाणा इसके लिए स्टंगी का मार्ग आपको करना होगा दैट इज उन्होंने कहा था किसने कहा था शंकराचार्य महावीर स्वामी रामानुज गौतम बुद्ध एंड द करेक्ट आंसर इज गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध ने कहा था कि देयर इज सोरो लाइफ इज फुल ऑफ सोरो और हम इस सोरो की वजह क्या है द रीजन फॉर सोरो इज अवर डिजायर एंड वी कैन एस्टिंग हम लोग उस डिजायर को खत्म कर सकते हैं एंड हाउ वी विल स्टिंग दा मार्ग उन्होंने अष्टंगिका मार्ग जो है आठ चीजें बताई थी उसके थ्रू हम उसको जो है खत्म कर सकते हैं तो गौतम बुद्ध ने यह कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल टोटल फोर बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसमें पहला कहां हुआ था काश्मीर राजगिरी पाटलिपुत्र वैशाली एंड द करेक्ट आंसर इज राजगीर सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट राजगीर अंडर द दोनेज ऑफ द किंग आजाद शत्रु जो है और महाकश्यप जो थे इसके चेयरमैन थे हेल्ड एट अंडर द काला अशोक वसुमित्र जो है सबाकामी जो है इसके चेयरमैन थे एंड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्र अंडर द पेट्रोनेज ऑफ अशोका मोगली पुत्र जो है इसके चेयरमैन थे एंड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट कुंदल वन काश्मीर एंड वसुमित्रवास द चेयरमैन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कुशान किंग कनिष्क तो ये जो है फाइव क्वेश्चन जो है इससे भी हमने डिस्कस किया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये फाइव टॉपिक्स था जिसमें जो है टोटल फाइव फाइव क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूडेड थे अदरवाइज वी हैव डिस्कस जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं इसमें स्टैटिक पोर्सन से रिलेटेड और करंट से भी रिलेटेड जो है डिफरेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया तो ये जो था हमारा क्लैर ट्रस्पेरेंट के लिए जो है से आपको पैसेज रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर सेशन था तो इसी तरह से आपका रेगुलर सेशन आ रहा है तो आप इस पर बने रहिए इस चैनल पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अगर अदर सब्जेक्ट्स और बहुत ही सेल सिस्टमेटिक तरीके से अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट फैकल्टी आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो सो यू कैन विजिट अवर सेंटर इफ़ यू आर असाइडिंग इन मुंबई सो यू कैन विजिट वसई थाने दादर बोरीबली और अंधेरी एंड अदरवाइज ऑन पैन इंडिया लेवल इफ़ यू वॉन्ट टू अवेल द ऑनलाइन कोर्सेज यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर एंड द काउंसलर विल गाइड यू यू कैन ऑल्सो अटेंड द डेमो क्लासेज ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ और अगर फिर भी कोई आपके पास क्वेरी हो कोई क्वेश्चन हो तो उसको बताइएगा कि ये जो है कि कौन सा क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है जो भी हो आप बताइएगा उसको एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछते हुए जा रहा हूँ गौतम बुद्ध बाज़ बॉर्न एट विच प्लेस तो गौतम बुद्ध जो है उनका कहां पे वर्थ हुआ था कहां पे जन्म हुआ था ये बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ये तो आपको एक क्वेश्चन है और गौतम बुद्ध जो है उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था ये भी क्वेश्चन आप इसका आंसर बताइएगा वेयर डिड गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन तो पहला सरमन उन्होंने अपना कहाँ दिया था पहला जो उपदेश था उन्होंने अपना कहाँ दिया था वो बात आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में बताइए किस जगह पे दिया था सो दीज आर द uh passages which we have discussed for the calate and uh, other important uh, competitive examinations as aspirants so with that we will conclude the session here thank you and have a nice day see you in the next session till then goodbye